गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन। दिस इज द वीडियो फॉर 7th क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर नंबर इज 8। बिफोर वी रीड दिस चैप्टर, वी टॉक अबाउट फायर। फायर इज बहुत यूजफुल एंड डेंजरस। वट इज़ अ फायर? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हाउ डू वी कंट्रोल इट? हम फायर एक यूज़फुल है या डेंजरस है? फायर को किसने डिस्कवर किया? एंड हाउ कैन वी कंट्रोल द फायर? हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इन दिस चैप्टर वी विल रीड इट। ओके, फायर फ्रेंड एंड फो। फायर का मतलब क्या होता है? आग। फ्रेंड मतलब क्या होता है? दोस्त। एंड फो का मतलब क्या होता है? दुश्मन। कि जो आग है हमारे लिए फ्रेंड भी है और एक दुश्मन का काम भी करती है। अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वॉज, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। जो पहले मानव थे, जो पहले आए थे इस धरती पर, आए थे जब मानव, तो उनको ये नहीं पता था कि एक्चुअल में आग होती क्या है। बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कोस, बट उन्होंने ऐसे बहुत उन्होंने देखा कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। हर चीज़ को ख़त्म करने के लिए ऐसे जो आग है हर चीज़ को ख़त्म कर देती है, ठीक है? तो उन्होंने सिर्फ ये देखा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटिंग एंड वेलोकोनस। उन्होंने कड़कती बिजलियाँ और वेलोकोनस भी देखे होंगे आग को यूज़ करने से पहले पहले, एक फायर को यूज़ करने से पहले। फायर वॉज वेरी पावरफुल, डेंजरस एंड वॉज फ्राइटेंड। फायर एक बहुत ताकतवर भी होती है, डेंजरस भी होती है, एंड ही वॉज फ्राइटेंड। सो दैट्स वाई कुछ ऐसे लोग थे कि फायर से वो डरते थे। फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन। फायर जो आग है, पहले जो मानव थे उनको पजल भी कर रखा था। बट वी नो दैट फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ दिस इज़ द पॉइंट बेटा, वी विल टॉक अबाउट हाउ वी डिस्कवर इट। हाउ वी डिस्कवर फायर? कैसे आग का पता चलता है कि आग कैसे आती है कैसे नहीं? इन दिस स्टेंजा वी विल रीड। ओके, फायर हैव पजल्ड अर्ली मैन, बट नाउ नो दैट फायर इज़ अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फायर रिजल्ट होती है, केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट होती है। व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कम्बाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन। जब ऑक्सीजन कम्बाइन होती है कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ, तो वो एक फ्यूल प्रोड्यूस करती है। केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। जो केमिकल होता है वो किस एनर्जी में होता है, किस एनर्जी में फॉर्म होता है? हीट और लाइट। ऑब्वियस है, जो आग होती है, आग में क्या होता है? एक हीट होती है और एक लाइट होती है। रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस दैट्स कॉल्ड, वी कॉल फायर। इसी के लिए हम क्या कहते हैं? आग कहते हैं। थ्री थिंग्स आर नीडेड टू मेक अ फायर। कहते हैं तीन चीज़ें होती हैं जिनसे आग बनती है, फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट। फ्यूल क्या होता है? जैसे वुड, कोयला, कोल, ऑक्सीजन गैस, पेट्रोल आर सम ऑफ एग्जांपल ऑफ फ्यूल। ये फ्यूल के एग्जांपल्स हैं। ऑक्सीजन कम फ्रॉम द एयर। जो ऑक्सीजन है कहाँ से ली जाती है? हवा से ली जाती है। दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मॉल्डरिंग पेपर। जब आप जलते हुए किसी पेपर पे अगर हम थोड़ी सी हवा करते हैं, तो इट्स ऑफन ब्रस्ट इन टू द फ्लेम। तो वो पूरा जो आग की लपटें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो पूरा जला देती हैं। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक अ फायर इज़ हीट। और थर्ड क्या होती है? एक आग को क्या ज़रूरत होती है आग को बनने के लिए? एक गर्म चीज़ की। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डो नॉट मेक फायर देमसेल्फ। फ्यूल और ऑक्सीजन ऐसे ही अपने आप जलने लग जाते। और एल्स अ न्यूज़पेपर एंड स्टिकिंग लेइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ऑन। कहते जो न्यूज़पेपर ऐसे पड़े होते हैं, ऐसे तो आग उनमें से लग नहीं जाती। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, कि किसी चीज़ को जलाने या किसी पेपर को जलाने के लिए, किसी लकड़ को जलाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसको गर्म करते हैं, बिफोर इट कैच फायर, तभी वो आग पकड़ती है। वी जनरली डू इट विद द लाइटेड माचिस। एवरी फ्यूल वॉज पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच वी बिगिन टू बर्न इट। हर चीज़ का कहते अपना अपना अलग अलग टेम्परेचर होता है जहाँ एट विच इट बिगिन टू बर्न। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट एंड किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? फ्लैश पॉइंट बोलते हैं या किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बोलते हैं?
इट इज़ समटाइम्स एट दैट फेयर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ गुड बैड मास्टर. क्या हम क्या 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 कह सकते हैं कि एक फायर है, अगर फायर एक अच्छी सेवक भी है बट जब ये मास्टर बन जाती है तो हर एक चीज़ को वो ख़त्म कर देती है, डैमेज कर देती है. इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ ओनली यूजफुल एज लॉन्ग एज इट केप्ट अंडर कंट्रोल. एक फायर तभी, एक आग है हमारे लिए तभी यूजफुल हो सकती है जब उसको हम कंट्रोल में लेंगे. फॉर इंस्टेंस वी यूज टू टुक कुक आर फूड. हम जब खाना बनाते हैं अपने रसोई घर में, वार्म होम इन विंटर, हम सर्दियों में अपने घरों को गर्म रखते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. बट ऑन द अदर हैंड फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, इट कैन बी वेरी डेंजरस. जब ऑब्वियस है क्या होता है कि जब फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर अस. ईच ईयर ऑफ थाउजेंड होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर. कि क्या होता है कि आग से ही काफ़ी ऐसे कई हजारों घर हैं, कई ऐसे हजारों शॉप हैं जो जल चुकी हैं. वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो डिस्ट्रॉय एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड एंड इंजर्ड. ऐसे कई ऐसे बड़े बड़े एरियाज़ होते हैं फॉरेस्ट के जो जल जाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मर जाते हैं. जस्ट एज थ्री थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, दैट आर थ्री मेन हैबिट्स फायर कैन बी पुट आउट एंड ईच वन ऑफ द थ्री थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इट्स टेकन अवे. कहते अगर इन तीनों में से अच्छा किसी आग को जलाने के लिए ऐसी कौन सी थ्री चीज़ें हैं जो मैंने आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि एक थ्री थिंग्स होती हैं, थ्री थिंग्स की ज़रूरत होती हैं जिससे आग बनती है, जिससे आग प्रोड्यूस होती है, वो क्या है? फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगर उठा ली जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल वी टेक अवे द फ्यूल, इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन. तो कहते अगर फ्यूल उठा लिया जाए तो आग का जो आग को फीड नहीं जा आग को फीड नहीं जाएगी तो क्या होता है कि इससे जो आग लगनी कम हो जाएगी या आग लगती भी नहीं है. वी ऑफन लेट अ फायर डाई और सिंपली नॉट बाय टू एडिटिंग मोर फ्यूल टू इट. सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू बी प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम ऑफ रीचिंग इट. सेकेंड क्या होता है कि अगर फायर में से अगर ऑक्सीजन ना हो तो ऑक्सीजन जब जहाँ भी आग लगती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जाने देते होते. नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर. अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो आग भी नहीं होगी. स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूदर विद द डैम्प ब्लैंकेट और स्नैक. कहते छोटी छोटी जो आग लगती हैं, किसी चीज़ को आग लग गई तो उसको ब्लैंकेट से जो हेयर द मीनिंग इज स्मूदर. स्मूदर मीन्स क्या होता है, जो सफोकेटेड जहाँ पे हवा भी नहीं आ सकती, उन वो ऐसे ब्लैंकेट्स होते हैं उनको अगर उस चीज़ को उड़ा दिया जाए ब्लैंकेट से तो फायर नहीं आ सकती, आग लग ही नहीं सकती. दिस तो आग बुझ सकती है आसान से. दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग अ बर्निंग मटेरियल. समटाइम कार्बन डाइऑक्साइड यूज टू एक्सटिंग्विश फायर. कहते जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर यूज़ करें एक आग को बुझाने के लिए तो एकदम से फायर जो आग होती है वो गायब हो सकती है. इट डज़ नॉट अलो ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल. द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट फायर इज़ टू रिमूव द हीट. अगर थर्ड क्या होता है कि एक आग को लगाने के लिए एक गर्म चीज़ की ज़रूरत होती है तो हेयर अगर हम यहाँ पे गर्म एक हीट को रिमूव कर दें. इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट. हेयर द मीनिंग इज फ्लैश पॉइंट इज़ दैट कि अगर पर्टिकुलर चीज़ को दिया गया है कि ये एक फ्लैश पॉइंट है, इस अगर इस फ्लैश पॉइंट के ऊपर कोई भी कोई किसी भी चीज़ को आग आसानी से लग सकती है तो क्या होता है कि जो उस फ्लैश पॉइंट का टेम्परेचर थोड़ा कम कर दें तो फ्यूल स्टॉप बर्निंग. तो फ्यूल है आग लगनी बंद हो जाएगी. यू बिलो ऑन द बर्निंग मास्टिक्स ऑल्सो कैंडल टू पुट इट आउट. जो कहते हैं मास्टिक्स होती हैं, जो कैंडल्स होती हैं, उसको बुझा दी जाए तो जो उस रूम का टेम्परेचर होता है वो डाउन होता जाएगा. इन डूइंग सो द रिमूव द हॉट एयर अराउंड the flame burning down its temperature below the flash point and candle goes out. Sometimes water is spread on the water. कहते क्या होता है कि कुछ कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि वाटर भी स्प्रे किया जाता है एक आग के ऊपर. इट्स ऑब्जॉर्व द हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर द टेम्परेचर. क्या होता है कि जो हीट होता है, जो किसी अगर गर्म चीज़ के ऊपर पानी डाल दिया जाए तो क्या होता है वो टेम्परेचर थोड़ा लो पे चला जाता है. तो इसी तरह से कुछ लोग वाटर भी डाल देते हैं पानी के ऊपर. द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. और जब हम वाटर डालते हैं आग के ऊपर तो क्या होता है कि ऑक्सीजन भी उस जगह पे नहीं आती. द फायर इज एक्सटिंग्विश. तो फायर वहाँ से
गायब हो जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद द वाटर, कहते कुछ ऐसी फायर्स में होती हैं, कुछ ऐसे आग आग होती हैं जिसमें वाटर नहीं डाला जाता। इफ़ द वाटर इज स्प्राइड ऑन इट ऑल द फायर, द ऑयल विल बी फ्लो टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कॉन्टिन्यू टू बर्न। कहते अगर अगर हम ऑयल के ऊपर पानी डाल दिया जाए डालते हैं तो ऑयल के ऊपर जो पानी है वो तैरने लग जाएगा, जिससे वो कॉन्टिन्यू चलता रहेगा। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर। कहते जो ऑयल है वो पानी को पकड़ के रखेगा और जिससे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बनी रहेगी और जिससे क्या होता है जो आग है धीरे धीरे स्प्रेड होती रहेगी। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज ऑन फायर कॉज्ड माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। कहते कुछ ऐसे होते हैं कि हमें स्प्रे करते होते हैं किसी जब कोई इलेक्ट्रिक शॉक होता है तो उसे आग निकल जाती है, तो कुछ लोग उस पानी डाल देते हैं जिससे क्या होता है कि जब हम पानी डालते हैं उस इलेक्ट्रिक चीज़ के ऊपर या इलेक्ट्रिक मशीन के ऊपर तो शॉक लगने का डर रहता है और उसे टाइम पे किसी भी बंदे की डेथ हो सकती है। तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स द बेस्ट थिंग्स टू फाइट इलेक्ट्रिक फायर। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इस इलेक्ट्रिक शॉक के ऊपर इलेक्ट्रिक मशीन्स के ऊपर काम कर सकती है जिससे कि वो आग से लड़ सकती है। And we spend million of rupees each year fighting fires. कहते हैं हम बहुत सारे ऐसे पैसे spend करते हैं कि fighting आग को control करने के लिए। And we how to control on fires. We spend more trying to find through ways of preventing fires from happening and getting out of control. On the whole, we have to learn rather we control fire, put it to good use in everyday life. And we also spend trying to find new way of preventing fires. कहते हैं हम ऐसे बहुत से ideas खोजते रहते हैं कि आग के ऊपर कैसे control किया जाए। We have learned rather well to control fire and put it to good use in everyday life. हमें आग से अपनी रोज़ाना ज़िंदगी से एक अच्छा यूज़फुल तरीके से हमें इस आग को यूज़ करना चाहिए। लॉन्ग एगो दे वल नो फायरमैन, कहते जब कोई फायरमैन नहीं होता था, व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब भी कहीं पे आग लगती तो एवरीबडी बिकम अ फायर फाइटर, तो सारे आप जो एक ह्यूमन चेन बन जाती थी वो अपने आप आग बुझाने लगते थे। एंड आप स्टूडेंट्स यू लुक जस्ट लुक इन द पिक्चर कि एक ये ह्यूमन चेन होती थी। ये चेन होती थी, क्यों चेन होती थी, कि यहाँ पे एक बंदे जो एक क्यू बनाई जाती थी और एक बंदा दूसरे बंदे को जो बकेट देता था, वाटर की बकेट देता था, और वो बकेट पास होते होते उस घर में या किसी भी जहाँ पे आग लगती थी वो पानी की बकेट से वो आग बुझाते थे। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विच इंश्योर दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग टू रिड्यूस द फायर रिस्क। कहते एक अलग से जो कानून बने हैं, जब भी कहीं भी आग लगने का डर होता है तो उस बिल्डिंग में थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी जाती है ताकि ज़्यादा आग लगना ना पाए। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली पब्लिक प्लेस मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ द फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स, बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट्स नोन एज फायर ब्रिगेड्स। आजकल में कुछ ऐसे फायर ब्रिगेड्स भी होते हैं जिनको न्यू इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, औजार दिए जाते हैं आग को कंट्रोल करने के लिए। और फायर ब्रिगेड्स और हाईली ट्रेंड पीपल, इनको अच्छे से ट्रेन किया जाता है। दे पोसेस मैनी स्किल्स, इवन इनको काफ़ी स्किल्स भी दी जाती हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, स्प्रे वाटर अदर्स मटेरियल टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल। ऐसे कई इलेक्ट्रिक होते हैं उनको कट करते हैं और डेंजरस वॉल होती हैं उनमें वाटर को स्प्रे किया जाता है। एंड अदर मटेरियल टू ब्रिंग फायर, जो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी वजह से वो आग को कंट्रोल कर लेते हैं। दे ऑल्सो ट्रेन इन फर्स्ट एड, उनको एड के ऊपर भी ट्रेड किया जाता है ताकि कोई अगर बंदा जल जाता है या उसको भी वो
उसको भी वो संभालते हैं, उनकी हेल्प करते हैं. द डिस्कवर ऑफ द फायर इट्स यूजेस हेल्प अर्ली अ मैन टू कोप विद नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल मोड ऑफ लाइफ. अगर किसी अगर अर्ली मैन ने, वैसे ये जो मानव इस धरती पर पहले पहले मानव आए थे, उन्होंने इस आग के बारे में डिस्कवर किया, उन्होंने अपनी लाइफ में इसको यूजफुल अच्छे से यूजफुल किया. फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड. जो आग है, आग को पूजा भी जाता है हमारे इस वर्ल्ड में. फायर इज इंडीड अ फ्रेंड एंड एज वी नो फायर हमारी फ्रेंड भी है, और अगर हम जानते भी हैं इट विल बी वेरी डेंजरस. ये हमारे लिए डेंजरस भी हो सकती है अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है.